हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको फिर एक नए तरीका का गार्डन कैसे मारा जाए जिसका बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए, पिलर जो है ये 6x10 इंच में पिलर है, ठीक है। ये कोई भी स्टेज पे या मतलब मरवा पे हो या स्टेज पे हो, मंडप पे हो, जो भी पे हो आप गार्डन बना करके लगा सकते हैं। ये फूल में देख लीजिए, आर्टिफिशियल है कंडीशन, फूल में सीके लगा हुआ है, बड़ा सी की लगा हुआ है। वो अपने तरीका से आप इसको जैसे लगाना होगा तोड़ करके लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, देखिए कैसे गार्डन। पहले तो आप पिलर में कपड़ा मार लेंगे, जैसे कपड़ा मार रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पिलर में कपड़ा कैसे मारते हैं, देख लीजिए फ्रेंड। ऐसा ही कपड़ा मार करके देखिए, कपड़ा में गड्ढा बांध टाइट करके, तार लगाने का जरूरी नहीं है, टाइट से गड्ढा बांध सक बांध दीजिएगा तो कपड़ा टाइट हो जाएगा। और हल्का फल्का तार भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें ओसी लेके ओसी बांध रहे हैं। पहले इसमें ओसी बांध लेंगे तार से, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ ओसी कैसे बांधते। देखिए तार से ओसी बांध रहा है, देख लीजिए तार से ओसी जो बांध देगा उसी जगह पर ओसी बांधिएगा जिस जगह पर एक बाई एक ओसी का खाँच है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका ओसी बर्बाद नहीं होगा। हम लोग तो ओसी पे काम करते हैं, और आप लोग अगर हीटलॉन पे काम कर देंगे तो हीटलॉन पे भी कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे मेरा उंगली कहती है इसी तरह से ओसी बांधा जाता है। जहाँ पे ओसी एक बाई का ख़त्म होगा उसी जगह पे ओसी बांधेगा, ताकि ओसी ज़्यादा दिन तक चले, और उस ओसी पे आप ज़्यादा दिन 3-4 काम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए ओसी बना गया, उसी बांधने के बाद देखिए कंडीशन मारने का एक नया तरीका है गार्डन मारने का। पहले वाइट देंगे, फिर पीला देंगे, फिर वाइट देंगे, इसी तरह से मारना है। पहले पीला, फिर वाइट, फिर पीला, इस तरह से मारेगा 5 कंडीशन। पहले वाइट दिया, फिर पीला दिया, फिर वाइट, फिर पीला, इस तरह से मारते जाइएगा। देख लीजिए कैसे मार रहा है। छोट भर इससे पहले भी इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो दूसरा तरीका का गार्डन था, नहीं इस नया तरीके का है। वो अपने हिसाब से आप अपना गार्डन बना सकते हैं, पूरा वाइट भी देख सकते हैं, पूरा पीला भी दे सकते हैं। लेकिन हर जगह 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 पर काम करिएगा, उसे अलग अलग तरीका से गार्डन मारने का मारिएगा तो अच्छा रहेगा। देख लीजिए इसी तरह से मारा जाता है। हेलो फ्रेंड, अब कंडीशन मारने के बाद इसमें घोरा पत्ता मारा जा रहा है। ये घोरा पत्ता आर्टिफिशियल घोरा पत्ता है, आप कच्चा घोरा पत्ता भी मार सकते हैं, जो आपका इच्छा हो आप कच्चा मारिए आर्टिफिशियल मारिए, लेकिन आर्टिफिशियल थोड़ा बेहतर लगता है देखने में। कहीं अगर आप बिहावन में कहीं काम करते हैं तो बिहावन में आपका आर्टिफिशियल पत्ता मार करके छोड़ दीजिएगा,
3 दिन 4 दिन 10 दिन छोड़ देगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पत्ता सूखेगा नहीं। और अगर कच्चा पत्ता मारिएगा तो कच्चा पत्ता सूख जाता है, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा जो ऐसे आपकी इच्छा है। हम लोग तो दोनों यूज करते हैं, आर्टिफिशियल भी करते हैं और कच्चा पत्ता भी यूज करते हैं। इस कच्चा पत्ता को हम लोग घोरा पत्ता बोलते हैं और आप लोग के इधर क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। देख लीजिए पत्ता फिर कैसे मारा। गार्डन पूरा तैयार है, गार्डन आप देख ही लिए हैं कैसे गार्डन मारा जाता है। पत्ता भी आप देख लीजिए पत्ता कैसे मार रहे हैं। इसी तरह से पत्ता मारिए तो बेहतरीन लगता है देखने में। ये छोटा गार्डन आपको हम बताए हैं दिखाने के लिए बनाए हैं। जैसे बड़ा बड़ा गार्डन जैसे स्टेज हुआ, गेट हुआ, मंडप हुआ, वो किसी भी में कीजिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में। जो नया नया काम खोले हैं, नया नया किए उसके लिए है वीडियो सब है। देख लीजिए पत्ता मारने का तरीका, फूल मारने का तरीका भी देख लीजिए, पत्ता मारने का तरीका देख लीजिए कैसे है। इस तरह से मारेगा पत्ता, खूबसूरत लगेगा देखने में। यह आर्टिफिशियल पत्ता है, 2.5 रुपये ये पीस ये पत्ता पड़ता है। कलकत्ता से लीजिए, हावड़ा मंडी या दिल्ली से लीजिए, सदर बाज़ार से देख लीजिए फ्रेंड। पत्ता लगने के बाद इसका खूबसूरती बढ़ गया है गार्डन का। पत्ता नहीं लगा हुआ था तो खूबसूरती नहीं बढ़ रहा था, पत्ता लगने के बाद इसकी खूबसूरती बढ़ गया है। इसी तरह से एक नया गार्डन तैयार हो गया। देख रहे अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नया गार्डन के साथ एक वीडियो बना करके भेजूँगा। अगर मेरे वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।